योगेंद्र जी ने सब बता दिया कि कितनी सीरियस नहीं ठीक है देखिए कितनी सीरियस क्राइसिस है ये हम सबको इस सर्वे से दिखाई दे रहा है। इतनी सीरियस क्राइसिस में ये एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए थी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, देखिए ये तो सिर्फ बुंदेलखंड का क्योंकि सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट है। बुंदेलखंड जैसे योगेंद्र जी ने बोला, उन्होंने जिन एरियाज़ का टूर किया था ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ में, उसमें से सबसे ख़राब दिख रहा था। लेकिन बाकी भी इतने सारे ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ पूरे देश में हैं। इतनी बड़ी क्राइसिस है आज, वैसे भी एक जनरल क्राइसिस एग्रीकल्चर की, जहाँ पर इतने सारे फार्मर्स मजबूर होकर सुइसाइड कर रहे हैं, और इतना बड़ा ड्राउट लगातार तीसरे साल आया है, तो इसको तो बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी के तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए थी इसके प्रति। स्टेट इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी की तरह इसको देखकर बिल्कुल वॉर फुटिंग पर इस पर काम होना चाहिए कि भाई इन किसानों को कैसे बचाया जाए, पशुओं को कैसे बचाया जाए। और क्या देख क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राउट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो तो केंद्र सरकार से ड्राउट के पैसे लेने के लिए, किसानों के लिए तो अभी बहुत कम किया है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की बर्थडे सेलिब्रेट करी जा रही है, और यहाँ पर मोदी जी विश्व का दौरा कर रहे हैं, कभी एक देश का, कभी दूसरे देश का, कभी तीसरे देश का, और इसके ऊपर कोई ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। आज ही ये कोवरा पोस्ट और द वायर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर आधारित, जिसमें बोला गया है कि हर साल चावल की जो मिलिंग होती है, जो कि आम तौर पर ये मिलर्स पॉलिटिशियंस की कंपनियां होती हैं, पॉलिटिशियंस की मिल्स होती हैं या उनसे कनेक्टेड होती हैं, उनको ये चावल का जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि ये हस्क जो कि गाय के चारे के लिए यूज़ हो सकता है, ब्रैन जो कि खाने के लिए भी यूज़ हो सकता है, और टूटा हुआ चावल जो कि खाने के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो उनको पीडीएस का चावल उनको मिलिंग के लिए दिया गया है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट्स का बगैर दाम लिए उनको बेचने दिया गया है ये प्राइवेट मिलर्स जो हैं। और हर साल 10,000 करोड़ रुपए का अवैध फ़ायदा इन प्राइवेट मिलर्स को और सरकार को 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर ये 10,000 करोड़ जो हर साल इनको दिया जा रहा है प्राइवेट मिलर्स को, अगर ये भी किसानों को, ये जो ड्राउट अफेक्टेड किसान हैं उनको दे दिया जाता, उनके पानी की व्यवस्था, देखिए ये ड्राउट तो इसलिए होता है जब रेन फेल हो जाती है, लेकिन अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम सरकार अगर ठीक से करती और आज भी अगर कर ले, तो साल भर में, दो साल में ये सारा एरिया ड्राउट प्रूफ किया जा सकता है। वो आसानी से मनरेगा के तहत हो सकता है, लेकिन अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मनरेगा की पिटिशन फाइल करी है, जिसमें ये दिखाया है कि जितना मनरेगा का 100 दिन भी काम देने का जितना पैसा दिया जाना चाहिए, उससे आधा पैसा सरकार दे रही है, बिल्कुल आधा पैसा, यानी कि 50 दिन का सिर्फ पैसा दे रही है, और वो भी पेमेंट जो है किसानों को एक एक साल बाद, दो दो साल बाद किया जा रहा है। तो पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि आज किसानों का तो मतलब सरकार के प्रति तो कोई संवेदनशीलता, मतलब किसानों के प्रति सरकार की कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। सरकार की, सरकारों की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है देश के लिए, जहाँ ऐसे देश में जहाँ 50% से ज़्यादा लोग आज किसानी पर जी रहे हैं, किसानी करते हैं,
वहाँ पर ये हालत होना जो कि आज दिख रही है और सरकार का ये रवैया दिखना कि भाई कोई परवाह नहीं है, हर तरह की बेईमानी होती रहे, आप बाहर घूम रहे हैं, विदेश का दौरा कर रहे हैं या अपनी बर्थडे मना रहे हैं, ये हो रहा है।